हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं टेक स्पायरो। आज मैं लेके आया हूं दोस्तों आपके लिए सीपी प्लस ब्रांड की तरफ से आने वाला 4G राउटर। जी हां दोस्तों, जो कि है ये, आज इसकी करने वाले हम लोग अनबॉक्सिंग। वायरलेस राउटर और यहां पे मॉडल नंबर आपको देखने को मिल जाएगा CPGRDE412। ठीक है, ये इसकी मॉडल नंबर है, सीपी प्लस की ब्रांडिंग। यहां पे राउटर का फोटो आपको देखने को मिल जाएगा, यहां कुछ हाइलाइट्स है, तो ये 6 हाइलाइट्स हो गए। चलिए पीछे की तरफ देखते हैं, तो पीछे भी सारी चीजें सेम ही है जो आगे हमें डब्बे पे मेंशन किया हुआ मिला था। साइड में भी सेम चीज है, साइड में भी सेम ब्रांडिंग वगैरह है। यहाँ पे इस जगह पे कुछ और भी डिटेल्स हैं दोस्तों। एमआरपी जो है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा 5600 रुपए, पर इसे बहुत कम रेट में मिलने वाला है आपको। तो मेरा शॉप का चैनल पता ही है, स्पायरो इन्फोटेक नहीं पता है तो यहाँ देखिए, स्पायरो इन्फोटेक मेरी अपनी कंपनी है, मेरी अपना शॉप है। अगर आपको परचेस करना हो तो आप हमसे भी ले सकते हैं, ठीक है, और बहुत कम रेट में मिलेगा। आप एमआरपी देख के डरे ना, है ना। चलिए अब वेट करते नहीं है ज्यादा, ओपन करके देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या। इधर अगर हम लोग देखते हैं तो एक लाइन केबल हमें देखने मिलता है इस तरह से। पहले मैं निकाल लेता हूँ, फिर आपको एक एक करके दिखाता हूँ। तो ये सारी चीजें बॉक्स में है, ये है हमारा मेन राउटर। अच्छी खासी पैकेजिंग है, पैकेजिंग में बोलूंगा ठीक है, अच्छा है। बॉक्स खाली है, इसे साइड करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले इस प्लास्टिक रैप के अंदर हमें एक लाइन केबल देखने को मिल रहा है, जिसकी क्वालिटी दोस्तों काफी पसंद आई मुझे और बहुत अच्छी क्वालिटी में है ये। ओपन करके दिखाता हूँ आपको, लगभग 1 मीटर इसकी लेंथ है, क्योंकि इंस्टॉलेशन गाइड आपको एक देखने को मिल जाएगा, इसको आप रीड कर सकते हैं। पासवर्ड वगैरह कैसे सेट होगा, सिम वगैरह कैसे लगेगा, वो इसके अंदर मेंशन किया गया। इसके अलावा यहाँ पे एक अडाप्टर है, बहुत लाइट वेट है, कुछ ज्यादा ही लाइट वेट है। तो चलिए इसको देखते हैं, पावर अडाप्टर, और इसकी क्वालिटी मैं बोलूंगा कि एकदम, मतलब देख के ही लग रहा है कोई 40-50 रुपए का मार्केट से खरीद के लाया हुआ है। तो मैं क्लियर आपको बता दूं दोस्तों, जो ब्रांड की फील आती है ना, जो फील करते हैं ब्रांड के अडाप्टर के अंदर, वो नहीं है। बहुत लाइट वेट भी है और फिनिशिंग भी वैसी नहीं है, और केबल भी काफी नॉर्मल सी है, डीसी मोटी पिन वाली है सेम। अगर आप मार्केट में 40-50-100 रुपए में कोई अडाप्टर परचेस करते हैं तो उस तरह का आपको, जो लोकल ब्रांड की, तो इस तरह का अडाप्टर आपको देखने मिलता है। खैर चलिए हम इसकी इनपुट की बात कर लेते हैं और आउटपुट की। 150 से 285 वोल्ट इनपुट है इसका, जो आउटपुट है वो 12 वोल्ट 1 एम्पियर है मैक्सिमम। तो 12 वोल्ट 1 एम्पियर ये आउटपुट देता है। चलिए इसे साइड करते हैं, 1 मीटर के लगभग लेंथ है केबल की, और ये है हमारा मेन राउटर, इस तरह के रैपिंग में है। तो ये कुछ राउटर का डिजाइन निकल का था दोस्तों, डिजाइन मुझे बहुत पसंद आया, फर्स्ट लुक, मतलब अच्छा फर्स्ट लुक आपको पसंद आएगा देखने में। सीपी प्लस की ब्रांडिंग है, यहाँ पे छोटे छोटे से आपको हॉल दिख रहे हैं जिसके अंदर लाइटें लगी हुई है, जो की पावर के लिए है, वाईफाई के लिए है, प्लस टावर के लिए, क्योंकि इसमें सिम लगेगा, और 2 लैन पोर्ट है, लैन 1 लैन 2 उसका इंडिकेशन है। ये सारे लाइट हो गए। चलिए पीछे की तरफ देखते हैं, यहाँ पे 2 हॉल दिए गए हैं जिसके थ्रू आप इसे वॉल पे चाहें तो माउंट कर सकते हैं 2 स्क्रू के मदद से। 4 रबड़ का बेस दिया हुआ यहाँ पे, जिसके थ्रू आप इसे टेबल वगैरह पे अगर आप रखते हैं तो ये स्लिपी नहीं हो, ग्रिप अच्छा होगा, क्योंकि ये रबड़ का बेस दिया हुआ है, तो काफी अच्छा मुझे लगा। इसके अलावा यहाँ पे मॉडल दिया हुआ है CPGRDE412। इसकी जो IP एड्रेस है दोस्तों, यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी, जो डिफॉल्ट IP है 192.168.0.1। साथ ही साथ इसका जो SSID नेम है वो भी आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा, CP+F1FA। और इसकी जो पासवर्ड है, बाय डिफॉल्ट पासवर्ड, जो भी 4G राउटर इस तरह के होते हैं उसकी जो बाय डिफॉल्ट पासवर्ड है वो कंपनी स्टिकर पे पीछे मेंशन कर देती है, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ सीरियल नंबर भी मिल जाएगा। इसके अलावा बैक साइड में कुछ और नहीं है, एल्टीना है, ये इस तरह से वो अप एंड डाउन करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये रखने के बाद कुछ इस तरह से 4 एल्टीना का सेटअप हो जाएगा। लुक वाइज बहुत पसंद आया, जो डिजाइन है काफी स्लिम डिजाइन है, फ्रंट से बिल्कुल स्लिम है, साइड से थोड़ा सा इस तरह से कर्व लिया गया है, पीछे की तरफ उठा हुआ। ये तो मैं मानूंगा कि सीपी वालों का डिजाइन आजकल पता नहीं दिन ब दिन बहुत बेटर होता चला जा रहा है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। कुछ कुछ जगहों पे थोड़ा सा डिसपॉइंट कर देते हैं, बट ओवरऑल काम बहुत अच्छा कर रहे हैं सीपी वाले अभी। और यहाँ बैक साइड पोर्ट्स है, वो मैं आपको दिखा दूं, प्लास्टिक से कवर की गई है, तो इस प्लास्टिक को हम लोग यहाँ से रिमूव करेंगे इस तरह से। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पावर कनेक्ट करने के लिए जो अडाप्टर था हमारा, अडाप्टर लगाने के लिए सॉकेट दिया हुआ है, साथ ही यहाँ रीसेट बटन है बगल में। इसके अलावा यहाँ पे लाइन 1 और लाइन 2 पोर्ट दिया गया है, जहाँ से आप इंटरनेट कनेक्शन लेंगे लाइन केबल के। यहाँ पे वैन के लिए जगह दिया हुआ है, और ये है सिम लगाने के लिए, लिखा हुआ कॉपर डाउन, यानी कि जो सिम में कॉपर का एरिया होता है वो नीचे की तरफ रख के आपको इसमें इंसर्ट करना है सिम को। तो आप यहाँ पे बस सिम लगाएंगे, इसे पावर देंगे और ये स्टार्ट हो जाएगा और नेट आपको मिलना चालू हो जाएगा। तो यही कुछ लुक निकल के आता है दोस्तों, काफी लाजवाब, काफी जानदार है। सीपी प्लस की मुझे आजकल जो डिजाइन है वो काफी पसंद आया। तो कुछ यही लुक था दोस्तों 4G राउटर सीपी प्लस के 4 एल्टीना का। तो इस वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों, मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।